दोस्तों, मैं दिखे सोने स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल देखिए शाला पे। इस समय आपके सामने क्लास 7th अकाउंट्स का पूरा सिलेबस है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। जो रेड कलर से आप चैप्टर देख रहे हैं वो हमारे ओवर हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो ऊपर भी कार्ड पैश होगा थोड़ी थोड़ी देर में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी चैप्टर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू रिजर्व क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसके पहले अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी जिसमें मैंने आपको प्रोविजन और कैपिटल रिजर्व के बारे में समझाया है, तो प्लीज़ पहले वो जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था रिजर्व दो तरीके से होता है, एक होता है ओपन रिजर्व और एक होता है सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, फर्दर ओपन रिजर्व दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कैपिटल रिजर्व और एक होता है रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या था भाई? कैपिटल रिजर्व नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट से बनाया जाता है और रेवेन्यू रिजर्व ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से बनाया जाता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो भाई देखो, प्रॉफिट दो प्रकार का हो सकता है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हमारे रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन से हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जेठालाल का। जेठालाल की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो भाई वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेच कर ही मुनाफा कमाता है। और कभी कभार ओकेजनली क्या होता है, जैसे उसके पास कार्डबोर्ड के बॉक्स पड़े हुए हैं खूब सारे, ठीक है, या फिर उसका फर्नीचर जो पुराना हो चुका है, ठीक है, मान के लो 100 रुपये का फर्नीचर और बेचने गया उसे 150 मिल गए, तो इस तरीके से भी उसे कभी मुनाफा हो जाता है। कार्डबोर्ड पड़े हैं उसके पास गोडाउन वगैरह में, वो बेच देता है तो उससे भी उसे प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचना है तो उसका धंधा है, तो इससे जो मुनाफा होगा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन जो दूसरे ट्रांजेक्शन उसने करे, जैसे कि कार्डबोर्ड के बॉक्स बेचना या फिर जो फर्नीचर है वो बेचना, अब ये सब करके अगर उससे कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब देखो, जो रेवेन्यू रिजर्व होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से बनाया जाता है, जैसे कि इसका आप नाम ही देख सकते हो, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू में से जो रिजर्व बनाया जाए, मतलब हमारे रेगुलर ट्रांजेक्शन के प्रॉफिट में से जो रिजर्व क्रिएट किया जाए उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिजर्व, ध्यान रखना। कैपिटल कौन सा होगा? कैपिटल वो होगा जो हमारे रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन से हटके अगर कोई ट्रांजेक्शन हमने किया उससे जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से तैयार किया जाता है कैपिटल रिजर्व। क्लियर हुआ? तो रेवेन्यू रिजर्व मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद देखो, रेवेन्यू रिजर्व भी अब मैं आपको बताया दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके कौन कौन से होते हैं? एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक, जनरल रिजर्व क्या होता है? इसे आप जनरल रिजर्व बोल दो या फिर आप इसे बोल सकते हो फ्री रिजर्व। तो यार, एक ओपन रिजर्व होता है, मतलब इसके लिए कोई स्पेशल नहीं होता कि ये भाई जनरली बस बना दिया जाता है। ठीक है, जनरल ऐसे ही बनाया जाता है जनरल सेंस में, और आगे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, मतलब फ्री होता है यूज़ करने के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं बनाया जाता। जबकि स्पेशल रिजर्व क्या होता है कि भाई वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। क्लियर हुआ? जनरल रिजर्व किसी पर्पज़ के लिए नहीं बनाया जाता है, स्पेसिफिक रिजर्व किसी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो देख लेते हैं, तो स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और उसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक, अब इसमें आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर रिजर्व, ग्रेच्युटी रिजर्व, ये सब वो रिजर्व हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर बस मैं इसका जो बी वाला पोर्शन है ना, ये वाला एग्जांपल, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, या जिसे हम कहते हैं सिंकिंग फंड। ठीक है, इसे सिंकिंग फंड भी बोला जाता है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने देखा है कि कई क्वेश्चन में आपको आया है, तो उसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ बाकी के लिए अभी फ़िलहाल आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, क्योंकि इस लेवल पर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, आप मान लो चलो जब आप हायर ग्रेजुएशन जब ग्रेजुएशन पर जाओगे या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे CA CS परस्यू करोगे, उस समय आपको ये चीज़ आएंगी, उस समय हम डिस्कस कर लेंगे जब उस कोर्स पे मैं आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, जब उस कोर्स के लिए वीडियोस अपलोड करूंगा। ठीक है, तो हाल फिलहाल इतना आप डीप में मत जाओ, बस इतना समझो कि स्पेसिफिक रिजर्व किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, उसके एग्जाम्पल्स ये सारे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ है लेकिन फिलहाल इतना ही है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, हम जनरल रिजर्व तो समझ चुके थे क्या होता है भाई, कि जनरल रिजर्व जो फ्री होता है जनरल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, किसी मतलब कुछ पर्पज़ के लिए नहीं बनाया जाता, जनरली ऐसे बना दिया जाता है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसे। तो उसके मेरिट्स क्या क्या हैं? तो देखो, सबसे पहले तो जो वर्किंग कैपिटल होता है बिजनेस का वो बढ़ जाता है,
ठीक है। वर्किंग कैपिटल मतलब कैसे कि भैया जो प्रॉफिट का हिस्सा था वो हम लोगों ने अपने बिजनेस में रिटेन कर लिया जनरल रिजर्व बना के, ठीक है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अब क्या करेंगे, आप उसे वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे और इससे हमारा बिजनेस वापस बढ़ता जाएगा। और वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे खर्चे के लिए जो पैसा चाहिए होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरा डे टू डे का भी खर्चा होता है ना, तो उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। डे टू डे वर्क करने के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है, तो ये रिजर्व उसका काम करता है। दूसरा भाई, कोई फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए काम लिया जा सकता है। हमें पता है कि भाई जो ये जनरल रिजर्व है वो फ्री रिजर्व है एक तरीके का, ठीक है। उसका नाम ही फ्री रिजर्व है, एक दूसरा उसका दूसरा नाम फ्री रिजर्व भी है। मतलब कोई भविष्य में अगर कुछ दिक्कत या दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तीसरा भाई, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। और चौथा क्या है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसे किसी एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब हम इस रिजर्व का इस्तेमाल करके कोई दूसरी सिक्योरिटी जैसे किसी शेयर्स या डिबेंचर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है, दूसरी कंपनी के, ठीक है। और क्या होता है भाई, इसका मेरिट ये भी है कि ये जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है बिजनेस का उसे स्ट्रेंथ देता है, उसे मजबूत बनाता है, ठीक है। हमने देख ही लिया इतने सारे एग्जाम्पल, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करवा कर, ठीक है, दूसरी सिक्योरिटीज़ खरीद कर, इन सब चीज़ों से क्या हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी ना, और हमारे पास पैसा रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी से पैसा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगा। इसके बाद देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस, जनरल और स्पेशल के बीच में। तो यहाँ मैं आपको उसका बेसिस बता देता हूँ, तो ये इस बेसिस के दम पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो कंपल्शन, तो जनरल रिजर्व कंपलसरी नहीं है बनाना, लेकिन स्पेशल रिजर्व कंपलसरी होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जनरल रिजर्व का ऑब्जेक्ट है कोई भी फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेन पॉसिबिलिटी को फेस करने के लिए तैयार रहना, जबकि ये क्या होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन, तो भाई देखो ये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, मतलब कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में आप इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आपका कुछ काम नहीं हो, मान के चलो आपका रिजर्व बना लिया और फ्यूचर में आपको किसी काम ही नहीं पड़ा इसका, तो आपका अगर मूड है तो आप अपने शेयर होल्डर्स के बीच में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से बनाया जाता है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले बना लिया जाता है, तो आप चाहो तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक। यूज़, तो भाई ये किसी पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। इसका प्रॉफिट, प्रॉफिट से क्या रिलेशन है, पाँचवा पॉइंट, तो देखो ये प्रॉफिट में से ही बनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब ज़रूरी नहीं है भाई, अगर लॉस अगर आपकी कंपनी को इस साल हो गया है तो आप फ्री रिजर्व या फिर जो आपका जनरल रिजर्व वो नहीं बना सकते, ठीक है। ये सिर्फ प्रॉफिट में से ही बनाते हैं, प्रॉफिट जब होता है तभी बनता है, लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों कंडीशन में आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब अगर लॉस हो गया है आपको और आपने रिजर्व तैयार कर लिया तो उससे क्या और लॉस बढ़ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन आप बना सकते हो। अब छठवा होता है बैलेंस शीट में इनकी पोजिशन क्या है या फिर कहाँ दिखाई दिया जाता है, तो जनरल रिजर्व जो है वो लाइबिलिटी साइड में दिखाई दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल स्पेशल रिजर्व है वो इस रिस्पेक्टिव असेट में से कम करके दिखाया जाता है, क्लियर हुआ। मतलब जो आपका असेट होगा उसमें से कम करके दिखाया जाएगा, जिस भी असेट के लिए वो तैयार किया जा रहा है ना उसमें से आपको कम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेचर, तो देखो भाई जनरल रिजर्व जो होता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को बांटने का एक तरीका होता है। प्रॉफिट एक तरीके से देखो, जैसे हम डिविडेंड बांटते हैं वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो अप्रोप्रिएशन मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो ये प्रॉफिट बांटने का एक तरीका होता है भाई, हमने एक प्रॉफिट बांट के प्रॉफिट अलग करके रख लिया, ठीक, फ्यूचर में किसी यूज़ करने के लिए। लेकिन जो स्पेशल रिजर्व होता है वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो एक तरीके से एक्सपेंस ही समझ लो आप उसे, ठीक है, एक तरीके से, ठीक। तो यह इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो जनरल रिजर्व होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से हम बना सकते हैं, क्योंकि भाई ये प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा है, तो प्रॉफिट होगा तो ही तो उसका बंटवारा होगा, क्लियर हो रहा है। लेकिन जो स्पेशल रिजर्व होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट को कम करता है, वो प्रॉफिट को बांटता नहीं है, दोनों चीज़ समझना। प्रॉफिट बांटना एक अलग चीज़ होती है, प्रॉफिट कम करना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो स्पेशल रिजर्व जो होता है वो एक्चुअली प्रॉफिट कम करके बनाया जाता है, इसलिए हम उसको चाहें तो लॉस की कंडीशन में भी बना सकते हैं। तो लॉस की कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट कम करना मतलब एक तरीके से लॉस होना ही तो हुआ, तो उससे क्या होगा और ज़्यादा लॉस बढ़ ही जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये चीज़ है, तो बेसिकली ये चीज़ थी देखो, और इतना ही थ्योरी था जो हमारा रेवेन्यू रिजर्व था उसमें, ठीक है। इसमें बस वही मैंने आपको बताया कि सिंकिंग फंड है, ठीक है, या फिर
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वो एक दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, नाम अलग अलग है बस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, जिसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अदरवाइज बाकी चीज़ें तो आसान थी और मैंने आपको लगभग हर एक थ्योरी पूरा कवरअप करवा दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अभी भी कोई डाउट हो आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करके वहाँ पर आपका सॉर्ट आउट कर दूंगा डाउट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर करना बहुत आसान है, यहाँ एक बटन होती है शेयर की, उस पर क्लिक करिए और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी बॉक्स के अंदर आपको हमारी पुरानी वीडियोज़ दिख रही होंगी, उन वीडियोज़ को भी जाकर देख लीजिए, वो भी बड़ी कंसेप्चुअल और शानदार वीडियोज़ हैं। थैंक यू।